एक डिश है जो चिकन कद्दू या घिया कद्दू, ये बॉईल हो गया है अभी। हमने इसमें वापस सूप डाल दिया था फ्राई करने के बाद। चिकन की अमेजिंग डिश, ऐसी डिश मैंने लाइफ में तो कभी खाई नहीं। आज एक नई डिश हम आपके लिए बनाने वाले हैं, उस डिश का नाम है चिकन घिया या घिया चिकन। अब पहली बार सुन रहा हूँ कि आप चिकन में घिया डालेंगे। घिया तोरी पता है ना आपको, कुछ लैंग्वेज को आल कहते हैं, कुछ में हरा कद्दू कहते हैं और हम लोग उसको घिया भी कहते हैं। तो ये भाई साहब गुलाम है, पिछली बार इन्होंने एक ऐसी डिश अजीब सी बना के मुझे खिलाई जिसमें एग और मिल्क के थ्रू बनी थी। अमेजिंग डिश, ऐसी डिश मैंने लाइफ में तो कभी खाई नहीं। आज खिलाने वाले हैं ये हमें घिया चिकन। बनाने की रेसिपी क्या है जरा इन्हीं से पूछते हैं, और ये जैसे जैसे बनाते रहेंगे हम आपको दिखाते भी रहेंगे। पहले हमें चिकन लेना है, इसको अच्छे से धो के इसमें डालना है, ठीक है ना, पानी में। और लहसुन लेना है, वो भी इसमें डाल देना है, ठीक है। लहसुन के साथ हमें लेना है क्या बोलते हैं हल्दी, इसको हल्दी एक दो चम्मच डाल देंगे इसमें, ठीक है जी, आराम से। उसके बाद हम कोई चम्मच वगैरह लेंगे, इसको थोड़ा हिलाएंगे हल्का सा। लहसुन भी हमने डाल दिया इसमें, बस इसको कुछ करना नहीं है, उसको साइड में रखना है। और ऊपर से ढक्कन लगाएंगे फिलहाल, ओके। ढक्कन लगा के इसको उबालेंगे अच्छे से, ठीक है ना, तो बढ़िया टेस्ट आएगा। तब तक हम दूसरा काम करेंगे, जो हमने कद्दू काट दिया ऐसे ऐसे, ठीक है, कद्दू या फिर घिया, हाँ, अच्छे से छोटे छोटे पीस करके यहाँ से तेल गरम कर दिया। और हमने ये लहसुन लेना है, साथ में थोड़ा साइड में रखना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अभी तेल गरम हो जाएगा, हमें ये जो घिया है, घिया को हमें फ्राई करना है, अच्छे से फ्राई करना है जी, ठीक है। तो उसमें थोड़ा नमक वमक डालेंगे, तो फिलहाल तेल को गर्म होने दीजिए, आप तब तक पास कीजिए। तो अभी तक पहला स्टेप है घिया एक काट लेके ना, उसको छोटे छोटे पीसेज में काट लो। हम लोगों ने पूरे घिया को पहले ऊपर से नीचे तक 8 पीसेज में काटा, 1 2 3 4 बार, उसको फिर छोटे छोटे पीसेज में स्लाइस कर दिया। दूसरा स्टेप इन्होंने दिखाया कि पहले चिकन को अच्छे से धो लो, उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल दो पानी के अंदर डाल करके, थोड़ी हल्दी, और उसको गर्म होने के लिए रख दो। तीसरा, ये जो हमने घिया काटी है हम इसको फ्राई करने वाले हैं अभी, तो देखिए इसके आगे की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखिए तेल गर्म हो चुका है, अब तेल में घिया को फ्राई किया जा रहा है। एक तरफ चिकन पानी में उबल रहा है हल्दी डालने के बाद, और ये हम फ्राई कर रहे हैं। और कुछ करना नहीं है इसमें, थोड़ा ये 6 गांठ हमने लहसुन की काटी थी, और उसी को यहाँ पे उसी को और एक चीज़ डालना, हाँ मैंने ये भी नहीं डाला। पिसा हुआ सौंफ है ये, और खुशबू के लिए इसमें डाले जा रहे हैं, हाँ थोड़ा बहुत। पिसा धनिया तो नहीं है ना, ये धनिया है ना, ये सौंफ है, धनिया अब दोनों को हम इसको फ्राई होने देते हैं और इसे गर्म होने देते हैं। हाँ देखिए क्या बन के आता है, मैं आपको टेस्ट करके बताऊंगा जब ये तैयार हो जाएगा। अभी बनते हुए देखने का मजा लेते हैं ताकि भूख और बढ़ जाए। थोड़ा सा नमक डालेंगे हल्का सा, थोड़ा नमक, हाँ नमक डाल दिया इसमें, बड़ी इलायची, बड़ी इलायची दो, उसको थोड़ा सा डाल दिया, हाँ, और सौंफ डाल दिया था थोड़ा, और सौंफ हमने डाला था, तीन चीजें, चार तक, थोड़ा नमक, हल्दी, सौंफ, गार्लिक थोड़ा सा हमने डाला, और सौंफ डाली, और बड़ी इलायची के कुछ टुकड़े हमने डाले। एक तरफ गर्म हो रहा है, पानी के अंदर उबल रहा है, और दूसरी तरफ घिया फ्राई हो रही है। घिया के अंदर हमने नमक डाला है बस अभी तक, और कुछ नहीं, घी में इसको फ्राई किया जा रहा है। देखिए फ्राई होने देते हैं इसे, तो लीजिए दोस्तों अब फ्राई कर चुके हैं हम घिया को, अभी हरा ही रह गया उसका, लेकिन गल गई है एकदम, कच्ची नहीं है अभी ये। अब उसको निकाल के हम अलग बर्तन में रख रहे हैं, जो बचा हुआ ऑयल है उसको निकाल के आप फर्दर यूज कर सकेंगे। और ये एक तरह से घिया को फ्राई करके पका दिया गया है, थोड़ा इसमें नमक डालना है,
इस तरफ हमारा चिकन एकदम उबल गया है बढ़िया तरीके से, कलर भी डिफरेंट हो गया, पहले एकदम पीला था, अब इसमें जो फैट है चिकन का वो मिक्स होने के बाद ये जो करी आपको दिख रही है ना, ये चिकन सूप की तरह यूज़ की जा सकती है। अगर यूज़ क्या करेंगे, हम करी रहे हैं जो इसको, हम इसे चिकन सूप की तरह अलग से एक्स्ट्रा जो सूप है ना वो पी सकते हैं। अब ये पिया जा रहा है और जो बाकी है उसमें हम चिकन नहीं यूज करेंगे, ठीक है। स्वाद अच्छा, मैं कुक हूँ लेकिन एक साल पुराना कुक हूँ, अभी सीख के रहा हूँ, ठीक है। लेकिन जो जितने भी अभी तक मैंने डिशेज बनाई अमित को बहुत पसंद आ गई और मुझे भी पसंद है, अब देखते हैं आगे। ये कश्मीरी डिश है गुलाम, वो लोग वहाँ रूटीन में खाते हैं। हाँ, ये हम सर एक्चुअली मेरी मम्मा बनाती थी ऐसे, तो बहुत ही अच्छा लगता था, उनकी याद आती है मुझे, उसके हिसाब से मैं बनाता हूँ। यहाँ पे बनाते बनाते उनकी भी याद आती है कि वो कैसे बनाती थी पहले, हम लोग भी मिस करते हैं मम्मा को। ये देखिए तैयार हो गया है इस तरफ काफ़ी हद तक, और ये हम पहले ही पका चुके हैं, अच्छे से बॉईल हो गया है, तो हम इसमें से चिकन के पीसेस को सेपरेट कर रहे हैं फ्राई के लिए, और इन्हें अब फ्राई किया जाएगा। पूरे सूप को पहले साइड में रखेंगे हम, ये बाद में काम यूज करेंगे, ये बाद में हमें काम आएगा, ठीक है ना। ओके, तो साइड में रख दो, देखिए चिकन के पीसेस को हम तेल में डाल के फ्राई कर रहे हैं। ये अच्छे पकता नहीं है, ठीक है ना, जब हम अगर जब अभी चिकन फ्राई हो गया है, कलर थोड़ा ब्राउनिश हो गया है, तो अब हम उसमें ऐड कर रहे हैं फ्राइड किया हुआ सूप है, जो पहले हमने सूप रखा था, जो पहले बॉइल किया था इसको, बॉइल के बाद बाहर निकाल के अब इसको फ्राई किया, अब ये हम डालेंगे, ये सूप वापस उसमें डाल दिया गया है, सूप वापस डाल दिया हमने। ओके, थोड़ा इसको थोड़ा हिला के, क्योंकि इसके नीचे मसाला बहुत है, इसमें डाल दिया हमने, और हम डालेंगे अब इसके बाद थोड़ा इसको स्टीम देंगे और, ताकि चिकन थोड़ा नरम हो जाए, ठीक है ना जी, पीसेस थोड़ा नरम हो जाए, उसके बाद हम ये डालेंगे, तो जो बस उसके बाद आपका तैयार। और इस डिश को कहते क्या है कश्मीरी में, क्या कहते हैं, चिकन और कद्दू दाल है, तो कद्दू चिकन बनाते हैं हम एक साथ, इसके नाम पर बस यही है कि भाई चिकन के साथ कद्दू बनाते हैं, कभी प्याज डालते हैं, कभी आलू डालते हैं, आलू के साथ भी बनाते हैं चिकन और कद्दू दाल है, नहीं बोला कि चिकन और कद्दू, चिकन कद्दू बोलेंगे इसको, चिकन और कद्दू, तो भाई अपनी लैंग्वेज में चिकन घिया कह देंगे हम उसको, कद्दू नहीं कहते, या हरा कद्दू भी बोल सकते हैं, तो ये हरा कद्दू नहीं, ये घिया है, हरा कद्दू अलग होता है, तो चिकन और घिया, तो ये सिंपल डिश है, इजली बनाई जा सकती है, दोनों को फ्राई करिए, मतलब फ्राई करने से पहले चिकन को बॉईल कर लीजिए, और दोनों को मिक्स कर दिया तो बन गया, डिश रेडी है हमारे पास, थोड़ी देर में खा के बनाते हैं, ऐसा लगेगा सूप पी भी सकते हैं, जो हमारे पास सूप एक्स्ट्रा था वो देख लीजिए, सूप एक्स्ट्रा था इसको पी भी सकते हैं हमारे से, चिकन सूप एक के दाम में दो का मजा है, यहाँ चिकन का सूप भी मिल रहा है और चिकन कद्दू भी खाने को मिल रहा है, दोनों चीज़ें एक साथ हैं, और ऐसा सूप तो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, मार्केट में भी नहीं मिलेगा, होम मेड सूप है, बहुत बढ़िया है, जोड़ों के लिए मस्त, जिसको प्रॉब्लम हो कोई जॉइंट्स प्रॉब्लम हो वो इसको खा सकता है और उसके जोड़ वगैरह मजबूत हो जाएंगे। दोस्तों नी की प्रॉब्लम का इलाज बता दिया गुलाम ने आज हमें, कि भाई मसल्स जहाँ पे नी का पेन है या जोड़ों में दर्द का प्रॉब्लम है, कोई भी बहुत कोई भी हड्डिया, कोई भी जो हड्डिया वगैरह है ना, हड्डियों को जो इस तरह से सेम मतलब बॉइल करके उसमें ये नमक थोड़ा हल्दी डाल के और धनिया मतलब ये लहसुन डाल के उसको बॉईल करो, बहुत ज़्यादा बॉईल करो नमक डाल के, तो फिर वो जो सूप निकलेगा वो आपकी जॉइंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। कई बार मैंने इसको एक्सपेरिमेंट भी किया है कि जिसको जॉइंट पेन हो, नी पेन हो, बैक पेन हो, इस तरह का सूप अगर पी लेगा तो बहुत हेल्दी होता है। देखिए थैंक यू सो मच, ये बॉईल हो गया है अभी, हमने इसमें वापस सूप डाल दिया था फ्राई करने के बाद चिकन में,
और जैसे ही ये थोड़ा और गर्म होगा हम इसमें कद्दू डाल देंगे। हाँ कद्दू तो अब इसमें पिघल ही जाएगा, थोड़ा वेट करेंगे, ज़्यादा वेट करेंगे ताकि पीसेज अलग अलग हो, मिक्स होके करीरा बन जाए कद्दू की। ये पानी पानी होना नहीं है। लीजिए दोस्तों अब हम खाने का मज़ा ले रहे हैं। ये हमारी डिश है जो बन के तैयार हुई है, चिकन कद्दू या घिया कद्दू, और ये है राइस जिसके साथ इसको खाया जा रहा है। खास बात पता क्या है, जब आप इसको बॉईल करके और फिर फ्राई करते हैं ना, तो इससे चिकन की जो सॉफ्टनेस है वो बढ़ जाती है, और ये इतना सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहा है, और वो कद्दू आप जब उसको फ्राई करके फिर चिकन के साथ बॉईल करते हो तो उसकी भी सॉफ्टनेस बढ़ जाती है, तो दोनों का मिक्सचर ना कमाल का है। ट्राई करिएगा, मज़ा आएगा आपको। थैंक यू सो मच गुलाम, थैंक यू, आपने भी बढ़िया डिश हमें बना के खिलाई। नेक्स्ट टाइम दूसरा डिश देखेंगे कैसे बनाते हैं। नेक्स्ट टाइम इसको बनाएंगे एग मिल्क वाला, एक बार फिर से अगली डिश की तैयारी कर ली हमने, डिसाइड हो गया कैसे एग को फ्राई करके मिल्क के साथ बनाते हैं, ये हमारी अगली डिश है, आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए सायोनारा।